आज मैं आपके लेके आया हूँ 50 किलो वाट का सोलर सिस्टम, जिसके अंदर हमने यूज़ किए हैं जे कंपनी के डॉक्यूमेंटेड बायोफिशल के अंदर। तकरीबन ये हैं 57 पैनल, जिसके अंदर हम 3 सी स्ट्रिंग बनाएंगे 19-19 पैनल की। और अभी जो सामने पैनल लगे हुए हैं, बाकी ये कुछ पैनल इस तरफ लगे हुए हैं। और हमने ये जो फ्रेम बनाया है, ये गार्डर का फ्रेम है, और इसके अंदर हमने इसके साफ़ करने की जो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ होती हैं वो भी इसकी बनाई है प्रॉपर तरीके, ताकि प्रॉपर तरीके साफ़ कर सकें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी हमने जैसे इन्वर्टर यूज़ किया है, वो किया है 50 किलो वाट का सोलेक्स कंपनी का ऑनग्रिड इन्वर्टर। और इसके साथ साथ कौन से ब्रेकर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह अर्थिंग देनी है आपने, किस तरह से नेट मीटरिंग देनी है, क्या क्या ईयर वालों की रिक्वायरमेंट होती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चल सके कि किस तरह आपने ये सिस्टम लगवाना है और कितना खर्चा आएगा आपका इस सिस्टम में। कोशिश करूँगा वो बता दूँ मैं, लेकिन खर्चा आपको पता ऊपर नीचे होता रहता है, उस टाइम पे जो होगा वो उस टाइम का होगा, अभी का जो होगा मैं बता दूँगा आपको वीडियो के एंड में। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप पैनल देख लीजिए, ये तमाम पैनल लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, ये लग चुके हैं। अब इसकी हम अर्थिंग वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और 3 स्ट्रिंग बनाएंगे वो नीचे जाएंगी प्रॉपर तरीके से। आप किस तरह से हम इसको कनेक्टिविटी देंगे, इसके अंदर हम फिलहाल हम 0 एक्सपर्ट डिवाइस लगा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन मीटर लगने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 6 महीने तक भी लग सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक वाले के ऊपर होता है वो कितना टाइम लगाते हैं। तो उससे पहले ये जो अपना लोड है वो यूज़ कर सकेंगे घर का, इसलिए हम लगा रहे हैं 0 एक्सपर्ट डिवाइस, जिससे कि वैसे ये इसको यूज़ कर सकेंगे जब तक इनका मीटर नहीं लग रहा। तो ये दिन के टाइम में जो है इनका लोड जो है वो इस पर चल रहा होगा, दिन के टाइम के इलेक्ट्रिक इनके यूनिट नहीं बनाएगी, वो सिर्फ ओनली सोलर पर चल रहा होगा। तो चले फिर नीचे चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे प्रॉपर तरीके से ये तमाम पैनल लगे हुए हैं, आप देख लीजिए गार्डर के ऊपर ये फ्रेम बना है। ये हैं तकरीबन 57 पैनल, 57 जिसकी 19-19 की 3 स्ट्रिंग बनेगी, तकरीबन जो वोल्ट हो जाएंगे वो तकरीबन आप समझ लें 19 पैनल के जो वोल्ट होते हैं वो तकरीबन 900 होंगे। और ये जो इन्वर्टर है तकरीबन 1100 वोल्ट तक के सपोर्ट करता है 50 किलोवाट का सोलेक्स का। तो ये प्रॉपर तरीके से स्टेप बना दिया है, यहाँ से आप जो है नीचे उतर सकते हैं इजीली। इसी तरह एक इधर दी हुई है इसके सामने और एक उसके सामने, यानी कि प्रॉपर चढ़ के यहाँ से आप ये पूरी प्लेट साफ़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमने ये पूरा लगाया, ये देखिए हमने प्रॉपर तरीके से जो है ये इंस्टॉल कर दिए हैं, सारे पैनल तमाम पैनल लगा दिए हैं इसके अंदर, और इसकी वायरिंग मैंने कर दी है, और कुछ वायरिंग रह गई उसकी हम स्ट्रिंग बना रहे हैं। ये देखिए आप इसके हमने जो है स्ट्रैप भी बनाई है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है ये अगर सफाई वगैरह करनी हो तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखें अभी गार्डर के ऊपर फ्रेम बना हुआ है, पूरा मजबूत फ्रेम बनाया हुआ है तरीके से, हर एक चीज़ आपको जो है प्रोफेशनल तरीके से हमने बनाई हुई है, आपको नज़र आएगी। और हमारा काम भी आप चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, हमारा सारा काम है। ये देखें इधर भी पैनल लगे हुए हैं, और अभी थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो इस वजह से जो ये पैनल गीले हो रहे हैं थोड़े। बाकी ये स्ट्रिंग बना रहे हैं अभी 19-19 पैनल की, ये देखें आप हमारी टीम वर्क कर रही है पूरा। तो इसके हम 19-19 पैनल की स्ट्रिंग बनाएंगे, 3 स्ट्रिंग बनेंगी इसकी, और जो वोल्टेज है तकरीबन 900 एक स्ट्रिंग वोल्ट देगी। ये देखिए अभी ये जो है अपने 16 mm का वायर यूज़ किया है जो नीचे जा रहा है, और जो स्ट्रिंग बनाने में क्या है वो 10 mm का है। वैसे 10 mm का बहुत रहता है, लेकिन ये बस क्लाइंट ने बोला 16 mm का तो हमने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 10 mm का वायर बहुत है। ये लगी हुई है 0 एक्सपर्ट डिवाइस, और ये लगा हुआ है ACB का SPDs जो कि अर्थिंग के लिए लगाई जाती है। तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया, अब इसके वायरिंग वगैरह भी करेंगे, कनेक्शन करेंगे। बाकी ये सोलेक्स कंपनी का 50 किलो वाट का इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि 110 पैनल तक सपोर्ट करेगा, और जो वोल्ट है ये तकरीबन जो है 160 से लेके 1100 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं आप, इसको चेक कर लीजिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनाया हुआ है इसको, और वज़न भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर से जो हम ऊपर पैनल से आएंगे स्ट्रिंग लगाएंगे वो दिया हुआ है। बाकी ये देखें आप, यहाँ पे लगेंगे 3 फेज, और ये आ गया इसका मेन ब्रेकर जो कि नीचे पाइपिंग के ज़रिए होता हुआ बाहर से आ रहा है। मेन पैनल जो बाहर लगा हुआ है, ये इनका जो है घर का पैनल लगा हुआ है जहाँ से घर में लोड जा रहा है, और मेन पैनल जो है वो बाहर है, वो अंडरग्राउंड होकर के बाहर जा रहा है। तो अभी हम जो है इसके अंदर एम सी पर कनेक्टर लगा रहे हैं, देखें प्रॉपर तरीके से एम सी पर कनेक्टर हम ये लगाएंगे इस तरह जैसे हमने इसमें लगाए हैं। तो 3 स्ट्रिंग बन रही हैं, ये 4 के हम लगा चुके हैं, 2 स्ट्रिंग के लगा चुके हैं 4 कनेक्टर, एक स्ट्रिंग के और लगा रहे हैं,
तो तीन स्ट्रिंग इसके अंदर रहेंगी, बाकी बाद में ये और पेन ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं अभी हमने कंप्लीट इंस्टॉलेशन तकरीबन कर दी है सोलर पैनल की। इसके अंदर हम आपको दिखाता हूँ कि मैंने हम लोगों ने अर्थिंग भी इसमें दी है, जंपर टू जंपर, और बाकी प्रॉपर तरीके से पाइपिंग की है इसकी। अर्थिंग किस तरह दी बता देते हैं, ये आ गया अर्थिंग का और जंपर टू जंपर अर्थिंग दे दी इसकी। ये हर पैनल मिला दिया हमने, ये आ गया और बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट वायरिंग हमने कर दी है इसकी। ये अभी हमने डीपी बॉक्स लगा दिया इसके अंदर, ये लगा हुआ है अर्थिंग का एसबीडीज, और ये लगे हुए हैं 100 एम्पेयर के जो है 1000 वोल्ट सपोर्टेड स्नाइडर वालों के ब्रेकर, डीसी ब्रेकर हैं, और डीसी इसकी एसबीडीज है जो एसीडी दोनों में काम करते हैं। प्रॉपर तरीके से हमने चारों स्ट्रिंग इसमें उतार दी है। अभी फ़िलहाल हम 3 स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, बाकी 1 स्ट्रिंग फ्री रहेगी। जब बाद में पैनल बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह वो स्ट्रिंग भी हम यूज़ कर लेंगे, वो ब्रेकर भी हम यूज़ कर लेंगे। तो आप ये देख लीजिए, ये अब यहाँ से जो है यहाँ से नीचे वायरिंग आ रही है प्रॉपर तरीके से पाइप के अंदर। इसके हमने जो है आई लक्स यूज़ किए हैं, कोई भी तार आपको इससे नज़र नहीं आ रहा हो, आई लक्स के साथ हमने सामान्य चीज़ें यूज़ की। सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, सब चीज़ें लगा चुके हैं इसकी। ये 0x4 डिवाइस है और ये एसपीडी लगी हुई है, आई कनेक्शन कर चुके हैं इसके, और प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं नीचे पाइपिंग वगैरह जो है इसकी पूरी हो गई है। इसके अंदर हमने 4 स्ट्रिंग यूज़ किए हैं तकरीबन, 2 ये रही और 2 ये रही। अभी फ़िलहाल 3 स्ट्रिंग आ रही है 19 प्लेटों की, और ये दो जो हैं फ्री हैं अभी, बाद में प्लेट इंक्लूड करेंगे तो फिर ये दो भी यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा ग्रिड इसका सिस्टम ऑन हो चुका है, अभी रात का टाइम हो रहा तो कोई भी पावर नहीं आ रही है। वैसे इसने आज टुडे 6.8 किलोवाट जनरेट किया है। और इसके अलावा कनेक्शन वगैरह देख लीजिए, यहाँ से डक के अंदर से जो है ये पूरा कनेक्शन जा रहा है, और सारे वायर वगैरह जो हमने डक के अंदर हैवी वायर इसके अंदर यूज़ किए हैं। ये देखते हैं ये सीरियल लगी है सारी इसकी, और ये हैवी ब्रेकर 250 एम्पीयर का, ये हमने इसके अंदर यूज़ किया है। इसी के साथ साथ ये इन्वर्टर देख लीजिए पूरा, ये 50 किलोवाट का सोलेक्स कंपनी का 100 इन्वर्टर है।